कल अर्थात 5 सितंबर 2021 से पूरे 27 दिनों तक इन छह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज की कृपा से खुलने जा रहा है बंद किस्मत का ताला। जी हां, कल शुक्र देव अपनी नीचस्थ राशि को छोड़कर अपनी ही राशि अर्थात तुला राशि में प्रवेश करेंगे और मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा और ये राजयोग 12 में से 6 राशि वाले जातकों के लिए आगामी 27 दिन बेहद सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो मालव्य महापुरुष राजयोग 2021 में निर्मित होने जा रहा है, 2021 के आगामी 27 दिन इन 6 राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ा उपहार लेकर आ रहे हैं। किस प्रकार से ये आपको फल देंगे, तो विशेष रूप से आपके वो कार्य पूर्ण होंगे जो लाख प्रयास के पश्चात भी 2021 में पूर्ण नहीं हो पाए हैं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई पाई जाएगी। जीवन में लग्जरी से जुड़ी स्थितियां जिनकी कमी आप अनुभूति कर रहे हैं, वो समस्त स्थितियां शुक्र महाराज की कृपा से आपके जीवन में करने जा रही है प्रवेश। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। तो मित्रों, आइए जानते हैं कौन सी है वह 6 महाभाग्यशाली राशियां जिन्हें ये मालव्य महापुरुष राजयोग करने जा रहा है मालामाल। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो फलादेश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है, तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इसे सुन सकते हैं। तो सर्वप्रथम राशि, जिस राशि के लिए कल अर्थात 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का समय बहुत विशेष बनाने जा रहे हैं शुक्रदेव, वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के पंचम भाव के अंदर शुक्रदेव संचरण करने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं, और पंचम भाव आपका आकस्मिक लाभ का भाव होता है। और यहां से दृष्टि कहां देंगे, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के स्थान एकादश भाव पर बेहद श्रेष्ठ स्थिति यहां पर निकल कर आएगी, जो आपको सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियों को एक्टिवेट करती हुई पाई जाएगी। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठकारी रहेगा और लग्जरी के साथ साथ में यहां पर बैठकर आपकी बुद्धि में भी इतनी चातुर्यता का योग बनाकर देने वाले हैं, जहां आप अपने उलझे से उलझे काम बड़ी आसानी से बनाते हुए पाए जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दृष्टि दे रहे हैं यह आपके एकादश भाव पर, तो निश्चित रूप से 27 दिनों में आपकी वो मनोकामना जो काफी समय से पूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो मनोकामना अब होने जा रही है पूर्ण। आय की स्थिति में वृद्धि देखने को मिलेगी। आय के कुछ इस प्रकार के योगायोग आपके सामने बनते हुए पाए जाएंगे, जो एक से अधिक आय का स्त्रोत्र आपके लिए बना कर दे। कोई छोटी मोटे स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना कर रहे हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग यहां आपको देखने को मिलेगा और फिजूल की खर्चियां मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से आगामी 27 दिनों के लिए होने जा रही है समाप्त। बिल्कुल इन 27 दिनों में एकाग्र चित्तता से अपनी कार्य प्रणाली को रूप देने का प्रयास कीजिएगा। सफलता करने की स्थिति शुक्रदेव आपके कदमों में लाकर अवश्य रूप से रखने वाले हैं। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए आगामी 27 दिन एक बड़ा उपहार लेकर आ रहे हैं, वह राशि होगी मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव के अंदर शुक्रदेव प्रवेश कर मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और ये चतुर्थ भाव शुक्रदेव का कारक भाव होता है। इस स्थान पर जैसे ही शुक्रदेव का प्रवेश होगा, वैसे ही आपके जीवन में लग्जरी की स्थितियों का एक्टिवेशन एक्टिव हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार का भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा जो भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, किसी ना किसी कारण की वजह से उलझने देखने को मिल रही थी, तो आप तैयार हो जाइए। आपके जीवन में एक ऐसी रूपरेखा इन 27 दिनों में बनाकर शुक्रदेव जाने वाले हैं, जो आपके जीवन से जुड़ी समस्त प्रकार की लग्जरी को एक्टिवेट करेगा। जनता से संबंधित आपको यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति का योग देखने को मिलेगा। माता का स्वास्थ्य पुष्ट रहेगा। माता से अंडरस्टैंडिंग में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, वो समाप्त होगा।
हृदय से संबंधित यदि किसी समस्या का आप सामना कर रहे थे उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे श्रेष्ठकारी स्थिति यहां पर क्या रहेगी, तो यदि आप एक कर्क राशि के जातक हैं, व्यापार करते हैं, तो निश्चित रूप से आगामी 27 दिनों में कोई बड़े व्यापार की गतिविधियां आपके सामने एक्टिवेट होगी। जॉब करते हैं, प्रमोशन की स्थिति का योग बनकर आ रहा है। वर्तमान समय में यदि अनएम्प्लॉयड हैं, चाह रहे हैं कि कोई जॉब मिले किंतु नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित रूप से तैयार हो जाइए और इस 27 दिनों में प्रयास कीजिए, आपका CV एक्टिवेट होगा और नई जॉब कर रही है आगामी 27 दिनों में आपका इंतजार। ट्रांसफर की स्थिति यदि आप चाह रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलना तय है, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, लग्जरी बढ़ेगी, कर्म क्षेत्र में वृद्धि और आय के स्रोतों में वृद्धि के साथ साथ में आपकी मनोकामनाएं अवश्य रूप से होने वाली है पूर्ण। अगली राशि, जिस राशि के लिए शुक्र देव का मालव्य महापुरुष राजयोग एक बड़ा उपहार लेकर आ रहा है, वह राशि होगी मित्रों कन्या राशि। जी हां, कन्या राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव अर्थात धन के अंदर शुक्र देव प्रवेश करने जा रहे हैं जो कि लग्जरी के कारक होते हैं। इससे श्रेष्ठ स्थिति और क्या हो सकती है। कन्या राशि के यदि आप एक जातक हैं और धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करने जा रहे हैं उससे आपको निजात अवश्य रूप से दिलाते हुए पाए जाएंगे। धन से रुके हुए कार्य आपके पूर्ण करेंगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक अवस्था बनकर आएगी। आप अपनी मधुर वाणी के चलते, चाहे वर्तमान में आपकी कैसी भी वाणी का योग बन रहा हो, किंतु आगामी 27 दिनों में आपकी वाणी में एक गजब का निखार देखने को मिलेगा और अपनी वाणी के चलते ही आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्य अपने पक्ष में लेकर आते हुए दिखाई देंगे। यहां से दृष्टि दे रहे हैं ये आपके अष्टम भाव पर और अष्टम भाव से जुड़ी समस्याओं को रिमूव करते हुए पाए जाएंगे। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का यदि आप सामना कर रहे हैं उससे निजात का योग प्राप्त होगा। कार्यों में रुकावटें आ रही है उन्हें समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। बनते बनते कार्य आपके रुक रहे हैं, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहे हैं। इन सभी स्थितियों से आपको शुक्र देव का मालव्य महापुरुष राजयोग मुक्त करने जा रहा है। बेहद श्रेष्ठ स्थिति है और इसी के साथ में आप अनुभूति कीजिएगा कि शुक्र देव आगामी 27 दिनों में भाग्य का परिपूर्णता से आपके साथ एक साथ जोड़ने वाले हैं। पिछले समय में पूर्ण प्रयास के पश्चात जो सफलता नहीं मिल रही थी उस स्थिति में अब आपका भाग्य आपका निश्चित रूप से साथ देने वाला है। अगली राशि, जिस राशि के लिए ये मालव्य महापुरुष राजयोग सबसे श्रेष्ठकारी फल देने वाला है, वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। और उसका सबसे प्रमुख कारण है कि तुला राशि वाले जातक, तुला लग्न वाले जातकों के लग्न के अंदर ही शुक्रदेव प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पर पूर्ण रूप से एक्टिवेट होगा मालव्य महापुरुष राजयोग। आप देखेंगे आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार देखने को मिलेगा। आपका मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो निर्णय लिए जाएंगे, ये आपको बहुत ही सुगम रूप का फल देने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको मधुर संबंध की स्थितियों को एक्टिवेट करेंगे। दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि कारक अवस्था के योग प्राप्त होंगे। इसी के साथ में यदि कोई पार्टनरशिप में आप कार्य करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप के अंदर कोई उलझने फंसी हुई है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इन 27 दिनों में आपकी समस्त प्रकार की समस्या रिमूव होने वाली है। साथ ही आप देखेंगे मन की स्थिति बहुत प्रसन्न रहेगी। आपके कार्यों की प्रशंसा समाज के अंदर देखने को मिलेगी। आपके डिसीजन बहुत अच्छे से एक्टिवेट होंगे। चातुर्यता, बुद्धिमता के दम पर आप कुटुंब में, परिवार में, अपने व्यापार स्थान पर यशमान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। तो बेहद खास है तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र देव का तुला राशि में ही प्रवेश होना। बिल्कुल तैयार हो जाइए, आगामी 27 दिन एक बड़ा उपहार शुक्र देव की कृपा से आपको अवश्य रूप से मिलने वाला है। अगली राशि, जिस राशि के लिए शुक्र देव पुनः से मालव्य महापुरुष राजयोग को एक्टिवेट करते हुए बेहद श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं, वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। जी हां, मकर राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और कर्म में ही करने जा रहे हैं प्रवेश और यहां पर बनेगा मालव्य महापुरुष राजयोग। तो आप निसंकोच होकर मैं कह सकता हूं
मकर राशि के यदि आप एक जातक हैं तो ये जो समय आ रहा है आगामी 27 दिन ये 2021 का सबसे श्रेष्ठकारी समय आपके विशेष रूप से कर्म से संबंधित लाभ देने वाला होगा। व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो बेहद श्रेष्ठ लाभ की स्थिति निकाल कर देते हैं। जॉब कर रहे हैं प्रमोशन की स्थिति का योग देखने को मिलेगा। जॉब में स्ट्रेस बना हुआ है, व्यापार में स्ट्रेस बना हुआ है, पैसा आपका रुका हुआ है, प्रॉपर सिस्टम में रन नहीं कर रहा है, इन सभी स्थितियों को एक बैलेंसिंग वे देते हुए पाए जाएंगे शुक्रदेव, जो कि आपके लिए बेहद यादगार सिद्ध होगा 2021 में। वर्तमान समय में यदि मकर राशि के जातक हैं, नौकरी नहीं है, तलाश रहे हैं, तो बिल्कुल 27 दिनों में आपकी नई नौकरी कर रही है आपका इंतजार। भौतिक सुखों में वृद्धि कारक स्थिति देखने को मिलेगी। यदि किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों की कमी आपके जीवन में बनी हुई है तो निश्चित रूप से अब शुक्रदेव की कृपा से उनकी स्थिति आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। इसी के साथ में आप देखेंगे आकस्मिक लाभ की स्थितियां भी इन 27 दिनों में आपके लिए एक्टिवेट होती हुई पाई जाएगी। किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ हो सकता है, चाहे शेयर बाजार से हो, चाहे किसी अन्यतर प्रकार की स्थिति का योग बनकर आए जो आप सोच भी नहीं रहे हैं, उस प्रकार का लाभ आपके लिए एक्टिवेट करते हुए पाए जाएंगे शुक्रदेव। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए भाग्य के द्वार खोलने जा रहे हैं, कल से पूरे 27 दिन शुक्रदेव, वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। जी हां, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव वर्तमान समय में अष्टम भाव में नीचस्थ हुए हैं और कल से ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे अद्भुत संयोग और कोई नहीं हो सकता। भाग्य स्थान में प्रवेश कर शुक्रदेव आपको अनुभूति कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि का योग देखने को मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या का सामना कर रहे हैं वहां से आपको पिता के स्वास्थ्य में पुष्टता देखने को मिलेगी। पिता की सलाह लेकर इन 27 दिनों में यदि आप कोई भी कार्य करते हैं निश्चित रूप से आपको सफलता का योग प्राप्त होगा ही होगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। इसी के साथ में दृष्टि दे रहे हैं ये आपके पराक्रम भाव पर, आपको एक अलग सा पराक्रम देते हुए पाए जाएंगे। पिछले समय में जो मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहे थे वो समस्त प्रकार के रिजल्ट आपके लिए एक्टिवेट होने जा रहे हैं। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों में मधुरता का योग देखने को मिलेगा और इसी के साथ में एक और अवस्था, भौतिक सुखों की स्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से होने जा रही है एक्टिवेट। तो मित्रों, ये है वह 6 राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव कल से पूरे 27 दिन अर्थात 2 अक्टूबर तक खोलने जा रहे हैं बंद किस्मत के ताले। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।